उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मंगलवार को जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उन्होंने लोकसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को उपयोगी टिप्स भी प्रदान किए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार करते हुए चुनावों में भारी मतों से जीत दर्ज करने का आह्वान भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को लेकर भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर दौरा कर रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा नतीजे यहाँ पे देगी और सबसे बड़ी बात है एक प्रदेशवासी जान लें सारे प्रदेश के लोग कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार गिरने वाली नहीं है। ठीक है गिराने का प्रयास हुआ लेकिन हम ऐसी जगह पहुँच गए हैं हमारे पास 34 लोग हैं और उनके पास 25 लोग हैं। 25 और 34 का बहुत बड़ा मार्जिन है 9 सीटों का मार्जिन यह जो है तोड़े नहीं टूट सकता। इसलिए इलेक्शन के बाद हमारी और स्थिति मजबूत होगी। 6 इलेक्शन हो रहे हैं 6 में जो है इलेक्शन के बाद हमारी सरकार तो स्थिर हो जाएगी। उसके बाद 5 इलेक्शन और आएंगे हिमाचल प्रदेश में 3 इलेक्शन जो इंडिपेंडेंट्स ने जो इस्तीफा दिया है वो इलेक्शन भी आएगा और उसके बाद 2 हमारे कैंडिडेट जीत के जाएंगे। विक्रमादित्य मंडी से जीत के जाएगा, सुल्तानपुरी जो है शिमला से जीत के जाएगा। 2 इलेक्शन और होंगे 5 और आएंगे तो ये सरकार जो है अपने जो पहले मार्क है उससे भी ऊपर जाएगी।